क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व मना रही है। जब प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद तीसरे दिन वे जी उठते हैं, तो उसके बाद वे कई बार, कई स्थानों पर, कई अलग अलग समय पर वे अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं और साथ ही साथ धर्मग्रंथ में लिखी बातें उन्हें समझाते हैं। इन सभी घटनाओं का वर्णन को हम पिछले महीने से और अर्थात पास्कर के बाद से दैनिक पाठों में हम उन्हें सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और उस पर मनन करते आ रहे हैं। आज का पहला पाठ पास्का पर्व के बाद से प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण तक की सारी घटनाओं का संक्षेप में वर्णन करता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से आह्वान करते हैं कि तुम संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार का प्रचार करो, और उनके देखते ही देखते वे स्वर्ग में आरोहित किए जाते हैं और वहां पर वे अपने पिता के दाहिने विराजमान किए जाते हैं। हम प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण से क्या सीख सकते हैं? हम प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण से सीख सकते हैं, पहला कि स्वर्गारोहण हमें बताता है कि हम स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं। हाँ भाइयों बहनों, हम स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं। हम यौहन के अध्याय 14 वाक्य 2 से 4 में पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। प्रभु यीशु स्वर्ग की जगह की बात कर रहे हैं। स्वर्ग जो ऐसी जगह है जहां पर प्रेम है, जहां पर आनंद है, जहां पर खुशी है। लेकिन हम मनुष्य है जो भौतिक या सांसारिक जो स्थान है हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, हम उसे त्यागना नहीं चाहते। हम देखते हैं यौहन के अध्याय 11 वाक्य 43 में यीशु लाजरस से कहते हैं कि लाजरस बाहर आओ, और हम देखते हैं कि कैसा मरा हुआ व्यक्ति जो कब्र से बाहर आता है प्रभु की आवाज सुनकर। उसी प्रकार प्रभु यीशु हमें हमारे पापों से, हमारी चिंताओं से, हमारे कष्टों की कब्रों से प्रभु यीशु हमें बाहर आने को कहते हैं। यीशु चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें। यीशु चाहते हैं कि हम सभी लोग स्वर्ग के नागरिक बने, और इसलिए जो हमारा घर है वह है स्वर्ग का घर, जहां पर प्रभु यीशु अपने पिता के साथ और आत्मा की एकता में रहते हैं और हमेशा हम वहां पर शासन करते हैं। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण से जो दूसरी चीज हम सीख सकते हैं वह यह है कि प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हमें स्वर्ग जाने की आशा देता है। हम प्रेरित चरित अध्याय 1 वाक्य 10 से 11 में पढ़ते हैं, ईसा के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने दो व्यक्ति उनके पास अचानक आ खड़े होते हैं और उनसे बोलते हैं, गलीली आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हो? वही ईसा जो आप लोगों के बीच में स्वर्ग से आरोहित कर ले गए, वे उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। हमारे प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हमें पवित्र आत्मा के आगमन और अंतिम दिन हमें पिता के पास ले जाने के लिए हमें गौरवशाली आगमन के बारे में बताता है। इसलिए स्वर्गारोहण हमें स्वर्ग की आशा देता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में कहानी की बताई गई है कि वो एक महान राजा थे और वे धीरे धीरे अपनी जो भी भौतिक चीजें थे वे दान करते आ रहे थे, और एक दिन उनके सचिव उनसे कहते हैं कि यदि आप इस प्रकार का दान देते रहोगे तो एक दिन आप कंगाल हो जाओगे। और राजा अलेक्जेंडर उनसे जवाब देते हैं कि मेरे पास एक ऐसी कीमती चीज है जिसकी वजह से मैं कभी कंगाल नहीं होऊंगा। और उनका सचिव है, वे उनसे पूछते हैं कि वह चीज क्या है। तब अलेक्जेंडर उनसे कहते हैं वह चीज है आशा। आखिर इसमें मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, जब हमारे पास आशा होगी, जब हम आशा में विश्वास रखेंगे, तब प्रभु यीशु द्वारा दी गई जो वादे प्रभु ने हमसे किए हैं वह प्रभु हमें पूर्ण करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि उनसे हमारा जो आश्वासन प्रभु ने हमें दिया है हम उनमें विश्वास करें। हम तीसरा बिंदु देख सकते हैं, वह है प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हमें यह सिखाता है
कि स्वर्गारोहण हमें जन आदेश देता है। जन आदेश मतलब हमें प्रभु यीशु आदेश देते हैं, और वो आदेश क्या है? प्रभु यीशु कहते हैं हमसे कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर लोगों को बपतिस्मा दो। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने प्रेम की ज्वाला इस दुनिया में फैलाने का आदेश दिया है, और हम प्रत्येक शिष्य को, हम प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने शब्दों, अपने कार्यों और अपनी गवाही के द्वारा हम भी प्रभु यीशु के कार्य का बखान करें। और इसलिए हम देखते हैं मत्ती के अध्याय 28 वाक्य 18 से 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारे यहूदिया और समरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। हाँ, क्रिस्ट में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि सुसमाचार का प्रचार करो। जब सुसमाचार का प्रचार करने की बात आते है तो जरूरी नहीं कि हमें बाहर जाकर प्रभु यीशु के जो वचन है उसे याद करके लोगों को बोलना, वह जरूरी नहीं। सुसमाचार का प्रचार हम अपने जीवन द्वारा भी कर सकते हैं। हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं वो भी हम एक बहुत बड़ा प्रभु यीशु का सुसमाचार का प्रचार कह सकते हैं। अगर हम पवित्र जीवन जिएंगे, हम एक अच्छा जीवन जिएंगे, तो हम बाइबल की घोषणा करते हैं, प्रभु यीशु के बारे में हम दूसरों को उनको बताते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं जो अपने शत्रु के लिए, शत्रु से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करता है उनके लिए प्रार्थना करो। क्या हम इस प्रकार का जीवन जी सकते हैं? क्या हम अपने शत्रु को प्रेम कर सकते हैं? क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? अगर वह कर सकते हैं तो हम एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जी सकते हैं और प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। तो आइए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हम प्रभु यीशु का ये स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे हैं। विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन को बदल दे ताकि हम एक पवित्रता का जीवन जी सके और लोगों को प्रभु के पास ला सके। तो आइए इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें।